कोरोना वायरस क्या है और ये कैसे शरीर को ख़राब करता है। सबसे पहले हम देखेंगे अगर कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो वो जब वो बोलता है या स्पर्श करता है तो उसके मुंह या स्लाइवा से कुछ वायरस निकलते हैं जो सामने वाले के श्वास द्वारा या उसके हाथों द्वारा उसकी आँखों कानों और मुंह से होते हुए उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही ये वायरस शरीर में प्रवेश करता है सबसे पहले वो गले में जाके इन्फेक्शन क्रिएट करता है और गले में आपको हल्की सी खराश, शरीर में आपको अनइवन बुखार और थकान सी लगने लगेगी। अगर इस प्रकार से कोई भी लक्षण आपको हो तो आप डॉक्टर से जाके तुरंत मिलें और अपना चेक कराएं। फिर ये जो वायरस होता है ये वायरस हमारे फेफड़े में चला जाता है और वहाँ अलवरी के साथ इन्फेक्शन क्रिएट करता है जिससे हमारे फेफड़ों में जो बलगम होते हैं वो जमने लगते हैं और जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। जैसे ही वो बलगम को बढ़ा देते हैं वो हमारे टिशू को नुकसान पहुंचना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये नुकसान हमें और भी कमज़ोर बनाते जाता है। ये 3D इमेज है, इसमें जो आप सफ़ेद रंग की गांठ सी या गुच्छम जैसी दिखाई दे रही है यही कफ है जो जमा होकर सांस लेने में तकलीफ देती है। अभी हम अपने फेफड़े की आवाज़ सुनेंगे कि किस प्रकार फेफड़े की आवाज़ आती है जब हमें कोरोना वायरस होता है। फेफड़े से होने के बाद ये हमारे रक्त में चली जाती है और जब वो रक्त में चली जाती है तो फिर वो पूरे रक्त को नुकसान पहुंचाना शुरू करती है। जैसे जैसे नुकसान पहुंचाते जाती है वैसे वैसे ही हमारा शरीर काम करना बंद करता है और किडनी फेल हो जाती है और ये वायरस जैसे ही रक्त को बर्बाद कर देती है और आदमी का शरीर मर जाता है। कोरोना के लक्षण, अगर आपको सिर दुख रहा है, बुखार आ रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ़, गले में खराश, जोड़ों में दर्द, उल्टी या लूज़ मोशन आ रहे हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से मिलिए। ये कोरोना के प्रॉब्लम हो सकती है। कोरोना से बचाव, सबसे पहला अपने चेहरे को ढकिए, मास्क लगा के रखिए। दूसरा, लोगों से 3 फीट की दूरी बना के रखिए। तीसरा, साबुन से हाथ बार बार धोइए। चौथा, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को साफ करिए और उसका उपयोग लिए। बचाव ही जीवन है। धन्यवाद।